मैं बहुत डर रहा था फराज को आपके हुजूर पेश करते हुए, लेकिन आपने ये साबित कर दिया कि अच्छी और तकी शायरी भी आप सुनना पसंद करते हैं, शेर समझते हैं। मैं आप तमाम हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ऐसे माहौल में मेरा हौसला बढ़ा है कि उस शख्सियत के हुजूर चलूं जिसे हम और आप वली देवबंदी के नाम से जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि भरपूर तालियों के साथ अपने मेहमान शायर और हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब वली देवबंदी साहब से गुजारिश की जाए, इस्तकबाल कीजिए वली देवबंदी साहब का, जब तक वो माइक पर आए तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए। सबसे पहले तो आपकी मोहब्बतों को, आपकी समातों को सलाम। ऐसे मौसम में भी आप लोग आसिफ भाई का साथ दे रहे हैं, मुशायरे को आप लोगों ने खूबसूरत बनाया हुआ है, मुबारकबाद। इसलिए बगैर तमीज के ज्यादा वक्त न लेते हुए सदर मोहतरम से इजाजत चाहूंगा। फराज भाई के बहुत खूबसूरत शायरी, उसके बाद मुझे हुक्म हुआ है मैं अपने शेर में इरशाद है। दुश्मन तो मेरे यार के क्या कहने हैं भाई, क्या कहने वाले भाई, जिंदाबाद। दिल में उतर गए दुश्मन तो मेरे यार के दिल में उतर गए, भाई क्या मिसरा है भाई। दुश्मन तो मेरे यार के दिल में उतर गए, दिल में उतर गए, इल्जाम जिस कदर थे सभी मेरे सर गए। क्या कहने हैं, तो मेरे यार के दिल में उतर गए, दिल में उतर गए। और मेरे दोस्तों बिलाल भाई ने भी अभी ये नज्म कही मुसलमान के लिए। सच्चाई यह है कि इस अदना से तालिब इल्म का ये शेर अगर किसी लायक हो तो शेर मुलायदा फरमाए, आपकी दुआएं चाहूंगा। जब तक थे साथ साथ हम आसमां पे थे, क्या पढ़ रहा है वाले भाई, थे साथ साथ हम आसमां पे थे, जब से जुदा हुए जमीन पर बिखर गए। क्या कहने हैं भाई, मुबारकबाद वाले देवबंदी साहब, मुबारकबाद, क्या कहने हैं। फिर पढ़े थे भाई आप, फिर पढ़िए। क्या कहने हैं भाई, भाई भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बार बार कहा जा रहा है खजनावर में मुशायरा पहली मरतबा हो रहा है, जबकि ईमानदारी की बात है इतने मंझे हुए समय में यहाँ बैठे हुए हैं जो बहुत कम मिलते हैं। शेर मुलाजा फरमाए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। जब तक थे साथ साथ क्या कहने हैं, हम आसमां पे थे, क्या कहने हैं वाली भाई, जब से जुदे हुए जमीन पर बिखर गए। दुश्मन तो मेरे यार के दिल में उतर गए। और पढ़ दे भाई, फरमाए शेर उनके हवाले से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। इरशाद है, पढ़ दे खूब रहे भाई आप। जी जी इरशाद। दौलत के साथ साथ हुनरमंदियां भी थी। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं,
के साथ साथ हुनरमंदियां भी थी, मुफलिस हुए तो हाथ से सारे हुनर गए। कहले हैं क्या कहले हैं भाई, पढ़ भी फूल रहे वाले भाई आप, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया अल्तमश भाई, नदीम भाई, अब्दुल्ला भाई और मेरे तमाम दोस्त। क्या पढ़ रहा है यार आप अली भाई, जिंदाबाद। दौलत के साथ साथ हुनर मंदियां भी थी, मुफलिस हुए तो हाथ से सारे हुनर गए। जब से जुदा हुए हैं जमीन पर बिखर गए। और खास तौर से शेर अगर किसी काबिल हो, उमर भाई खास तौर से शेर मुलाजा फरमाए, हालात की नहीं तकबर की मार है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं वली भाई, हालात की नहीं तकबर की मार है, तकबर की मार है। अच्छा शेर हुआ भाई, वली भाई फिर पढ़िए से आप भाई। क्या कहने हैं वली, फिर पढ़ो भाई शेर को वली भाई। हालात की नहीं तकबर की मार है। क्या कहने हैं, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाकया, वो कूड़ा डालने वाली, कूड़ा डालने में चंद दिनों का बीच में गैप हो गया। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तबीयत पूछने के लिए वहां पहुंचे। ये था मुसलमान और आज के हमारे हालात। शेर मुलाहिज़ा फरमाए खास तौर से, अगर कोई सदना से तालिब इल्म है शेर, कुछ लोग प्यार बांट कर जिंदा है आज। क्या कहने हैं, कुछ लोग प्यार बांट कर जिंदा है आज भी, कुछ लोग जीत जी तकबर से मर गए। जुदा हुए जमीन पर बिखर गए। और खास तौर से शेर अपनों, खास तौर से मेरे नौजवान दोस्त उसको खास तौर से सुने अगर किसी लाशा जा, अपनों से दूर कर दिया रोटी की फिक्र ने। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, से दूर कर दिया रोटी की फिक्र ने। घर आए उस कब तो जमाने गुजर गए। क्या कहने हैं वली देवबंदी साहब, बहुत खूब मुबारकबाद पेश करता हूं मैं आप तमाम हजरात।